नशे की तमाम चीजें बंद, बेहयाई, बेशर्मी, नंगापन दूर, इसका भी बंद किया जाए। मैंने कल, आपने 3 दिन पहले मेरी वीडियो देखा होगा मेरे चैनल पर। कौन सी वीडियो? आज है 15 फरवरी, कल क्या था? अरे बोलना। अच्छा परसों क्या था? 13 था ना? और कल क्या था? 14 फरवरी को एक दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है, उसमें बहनों को फूल देना पड़ता है। नहीं समझा? किसको फूल देना पड़ता? शर्मा मत, जोर से बोलो। मैंने परसों कहा पूरी दुनिया में, अमेरिका, इंग्लैंड और लंदन से मुझे फोन आए, मुबारकबादी आई। मैंने कहा कि जवानों, मैं मुसलमान बनी। मैं तो हिंदुओं से भी कहा कि अजीब बात है मुफ्ती साहब, अजीब बात है, क्या क्या मना रहे हैं? बोले बर्थडे, चॉकलेट डे, रोज डे, मदर डे, समझ रहा, टीचर डे। देखा है मदर डे का मतलब आज माँ को बहुत इज्जत करो, जैसे दिन खत्म हुआ जो करना है। लेकिन आज मदर डे है, समझा, आज हाथों से खाना खिलाना, आज सर में तेल डालना, रे सुन लो, मदर डे मनाने वाला माँ वो नेमत है, माँ वो चीज है कि जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा कि माँ के कदमों तले जन्नत है जन्नत। अरे फादर डे मनाने वालों, बाप डे मनाने वालों, अच्छा फादर डे नहीं मनाते क्या? मालूम बाप ने क्या बोला? कौन सा मनाते मुफ्ती साहब? मदर डे, फादर डे नहीं, समझ गया। अच्छा आप देखो अक्सर गाड़ी में आपको लिखे ले आना माँ की दुआ, तो बाप क्या करे? अरे यारो, मेरे नबी ने क्या कहा? सुन लो सुन लो, मेरे नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? अल जन्नतु तहता अक्दामिल उम्महात। ऐ जवानो सुन लो, ऐ बच्चो सुन लो, जिनकी माँ जिनके बाप जिंदा है, सुन लो सुन लो, अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। मेरे नबी ने कहा, क्या कहा? कि माँ के कदमों तले जन्नत है। और मेरे नबी ने कहा अल वालिदु औसतुल अबवाबिल जन्ना, बाप जन्नत के दरवाजों में बीच का दरवाजा है। और मेरे नबी ने क्या कहा? सुन लो मेरे नबी ने क्या कहा? रिजर्व फी रिजल वालिदैन। मेरे नबी ने ये कह दिया कि सुनाओ, माँ बाप राजी तो रब राजी, माँ बाप नाराज तो रब नाराज। ऐ नमाज पढ़ने वालो, ऐ उमरा करने वालो, ऐ जिंदगी में 10 बार हज करने को जाने वालो, सुन लो सुन लो सुन लो, जिंदगी में 10 बार उम्रे को जाना फर्ज नहीं। ऐ लोग सुन लो, जिंदगी में 10 बार हज करना जरूरी नहीं। मेरे नबी ने कहा तेरा बाप जन्नत का दरवाजा है, तेरी माँ के कदमों तले जन्नत है। और मेरे नबी ने कह दिया रब राजी उस वक्त राजी जब तेरा बाप राजी और तेरी माँ राजी। रिजल्व फी रिजल वालिदैन, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, और माँ बाप नाराज तो रब नाराज। कहाँ है जवानों? जवानों सुन लो, अगर खुदा ने माँ बाप को जिंदा रखा है, माँ बाप है, तो सुन लो इस पैगाम को, कसम खुदा की इनके जाने के बाद रातों को नफले पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, हज करो, उमरे करो, लेकिन कसम खा कर कहता हूं कि माँ के कदमों में बैठकर, उसके सर में तेल डालकर, बाप के पैर दबाकर, जो नेकियां जो सवाब कमा सकते हो, तुम्हें हज और नफिल उम्रों से और नफिल हज से वो सवाब मिले। कहा अरे माँ बाप की ना कदरी करते हो, धचके लेते हो, बूढ़ी औरतें जब आती है और कहती है मुफ्ती साहब बच्चे ने मारा है। कल के रोज एक वीडियो मैंने देखा, मुझे भेजा गया कि इसको न्यूज चैनल पर लगाना। एक नौजवान बूढ़ी माँ को, बूढ़े बाप को मार रहा है, धक्के देकर बाहर निकाल रहा है, कसम खा कर
कर देता हूं, उससे बड़ा बदनसीब और उससे बड़ा गुमराह दुनिया में कोई नहीं हो सकता। यारो मैं क्लियर करता हूं, मेरे उस्तादों के सामने रातों को तहज्जुद मत पढ़ना, मां की खिदमत करना, रात को नफले मत पढ़ना, बाप जिंदा है उसकी खिदमत करना। जिहाद इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी चीज कि जब कोई जिहाद को जाता है और शहीद हो जाता है तो उसका मकाम ये होता है कि खून का कतरा जमीन पर टपकने से पहले अल्लाह उसकी मगफरत का ऐलान करता है। लेकिन मेरे नबी ने एक सहाबी से कहा कि तेरे माँ बाप जिंदा है, तू जिहाद को मत आ, तू जंग के मैदान में मत आ, तेरे माँ बाप की खिदमत कर। इस बात से अंदाजा लगाओ कि माँ बाप का क्या मकाम है। अफसोस होता है खुदा के वास्ते जवान, खुदा के वास्ते जिंदा है तो कर लो, वरना कब्रों के पास जाओगे रोगे। मां जिसने 9 महीने पेट में रखा, जिसने हर तकलीफों को बर्दाश्त किया, तुम्हारा ये गरीब अगर मां थी तो लोगों की गुलामी की, लोगों के घरों पर जाकर बर्तन मांजा, और उसने बर्तन मांज मांज कर अपने 5 बच्चों को पाला, और आज अफसोस के 5 बच्चे मिलकर एक मां को नहीं पाले। अरे खुदा के वास्ते जवानो होश पकड़ो, होश बड़ा मकाम, बड़ा मकाम है। इसलिए किसी ने कहा है कि अपने माँ बाप का तू दिल ना दुखा, दिल ना दुखा। तय कर लो, मैं क्लियर कह रहा हूं, फर्ज अदा करो, नमाज से पढ़ो, लेकिन नफले न पढ़ते हुए अगर अपने माँ बाप की खिदमत में वक्त लगाओगे, कयामत के दिन, कयामत के दिन, या उलमा के सामने कह रहा हूं, कसम खुदा के रात के नफले आपको वो इनाम और वो सवाब नहीं दिला सकती जितना माँ बाप की खिदमत दिला सकती। कदर करो खुदा के रास्ते। और कुछ पैगाम अब खत्म करते हुए दूंगा, अब उससे बर्दाश्त करो, कुछ पैगाम दूंगा आज